नमस्कार, मैं मनीष आनंद चैम स्क्वायर की तरफ से आपको इस परिचर्चा में हार्दिक अभिनंदन करते हुए झारखंड में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ और इस परिस्थिति में चैम स्क्वायर किस तरह से अपने बच्चों को मदद कर रहा है उसके बारे में भी संक्षेप में कुछ विवरण करने जा रहा हूँ। अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड पूर्व से ही सभी बच्चों के लिए एक अच्छा स्टेट रहा है जहां से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहाँ की राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो रांची में विभिन्न प्रकार के आपको शैक्षणिक संस्थान मिलेंगे, स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान मिलेंगे जहां के शिक्षक अपने बच्चों के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। चैम स्क्वायर इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हमारी जो व्यवस्था है वो किसी से भी कम नहीं है, बल्कि हम लोग अपने तरफ से अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित रहे हैं और पूर्व से ही अच्छे रिजल्ट देते आए हैं। आज कोरोना काल की बात अगर करें तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाएं, तो हम लोग अपना सॉफ्टवेयर खुद से क्रिएट किए जहां पर लाइव क्लासेस की व्यवस्था हमने कराई। लाइव क्लासेस हम लोग एक तो क्या हुआ कि डाटा सिक्रेसी हम लोग मेंटेन कर सके इस तरीके से, दूसरा क्या हुआ कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमारा वीडियो जो लेक्चर हो रहा है, लाइव लेक्चर जो हो रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं जो बच्चे बार बार रिविजन कर सके। दूसरा हमारा जो पब्लिक चैट का कॉलम होता है वहां पर जिस समय हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय बच्चे जो भी उनके मन में डाउट है वो पब्लिक चैट में डाल रहे हैं या फिर उनके पास भी अपना माइक होता है, वो माइक ऑन करके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो बच्चे को एक क्लासरूम का फीलिंग हो रहा है जबकि ये वर्चुअल क्लासरूम है, इसके बावजूद उनको रियलिस्टिक अप्रोच लग रहा है हमारा और बच्चे काफी हद तक खुश है हमसे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया कि एक बैच के लिए एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप हमने तैयार किया जिसमें हम अपना पीडीएफ भेजते हैं, दूसरा हम उसमें अपना डेली प्रैक्टिस शीट भेजते हैं, हम उसमें क्वेश्चन पेपर्स भेजते हैं, बच्चे उसको डिटेल तरीके से सॉल्व करते हैं और हम उनको दिन रात मेहनत करके उसका चेकिंग करते हैं और उनको वापस सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक इंटरैक्शन जो होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में ये निरंतर बढ़ते जा रहा है। यही नहीं, हम लोग एक और काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप के अलावा हम लोग यूट्यूब पर भी अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं ताकि बच्चे बोर्ड पर देखें कि किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं और उससे लाभान्वित हो सके। एक प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ हो रही है, हम शिक्षकों के साथ हो रही है, वो ये है कि बच्चे लगता है कि एक समय में एक ही डाउट पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे पास 1000 बच्चे हैं और एक दिन में अगर 1000 बच्चे एक ही सवाल पूछें तो एक दिन में हमारे पास 1000 क्वेश्चंस होते हैं और उसको सॉल्व करना और बच्चे को लौटाना ये बहुत ही टीडियस टास्क है। तो ये एक तरह से कहिए हमारा इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी और हमको हमें अपने आप पर गर्व है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो बच्चे सुदूर इलाके में हैं, जो गांव में हैं, उनके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, यहां पर भी नेटवर्क फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है। तो गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कि काश अगर नेटवर्क पर वर्क कर दिया जाए तो हमारे जो भी बच्चे हैं, क्योंकि आगे चल करके आप देखेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस और लाइव क्लासेस का डिमांड बढ़ने वाला है, तो अगर मान लीजिए हमारी गवर्निंग अथॉरिटी इस दिशा में अगर कुछ कार्य करें तो हमारे बच्चे काफी लाभान्वित होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे, रांची के बच्चे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे एनआईटी का क्षेत्र हो, किसी से भी पीछे नहीं रहने वाले हैं, वो हमेशा आगे ही रहेंगे। धन्यवाद।